चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2019 के जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में डिफरेंट ब्रांचेस में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन पहला क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि हमारे पास में पूछा गया था केमिकल के पेपर में 2 मार्क के लिए, ठीक है, देखते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा टू द पावर -1/2, हमारे पास में क्या पूछा गया है, आयोटा की पावर -1/2 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा गया हमारे पास में, ठीक है। और आयोटा हमारे पास में क्या होता है, रूट अंडर ऑफ -1, इतना तो पता ही है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लेने वाले वो देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक सा कंसेप्ट डील कर देता हूँ, ठीक है, देखिए कलर चेंज करता हूं। तो हमारे पास में क्या होता है, e टू द पावर i थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब अगर हम यहां पर सपोज करिए कि थीटा की वैल्यू को अगर हम पाई बाई टू रख दें तो क्या होता है, चेक करते हैं, e टू द पावर i पाई बाई टू, तो cos थीटा थीटा की जगह पर हमने क्या रखा है, पाई बाई टू, तो हम यहाँ पर ही पाई बाई टू बिठा देंगे, तो cos पाई बाई टू प्लस i sin पाई बाई टू, ठीक है। cos 90 कितना होता है हमारे पास, 0 इंटू आयोटा, sin 90 कितना होता है हमारे पास में, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, आयोटा आ जाएगा, सॉरी इसको मैं इरेज करता हूँ, तो ये हमारे पास में आ जाएगा आयोटा, आयोटा आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास में आयोटा दिख रहा है आपको, इस आयोटा को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं e टू द पावर i पाई बाई टू, ये लिख सकते हैं, दोनों बराबर है हमारे पास में। तो मैं यहां पर जो आयोटा लिखा हुआ है उसे मैं लिख रहा हूं e टू द पावर i पाई बाई टू और होल टू द पावर -1/2, ठीक है, ये आयोटा है, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे आयोटा है और पाई बाई टू है और होल टू द पावर -1/2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास में माइनस यहाँ आएगा और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई फोर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर देखिए e टू द पावर -i π/4, तो हम इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, e टू द पावर i -π/4 लिख देते हैं, थीटा की जगह पे -π/4 हम डाल देते हैं। तो उससे अब हम यहाँ पर आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, e टू द पावर i थीटा से हम यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा के टर्म में इसको तोड़ देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में cos -π/4 प्लस i sin -π/4, ठीक है। cos -45 हमारे पास में क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा होता है दैट मींस 1/√2 ही होगा हमारे पास में, और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ sin थीटा होता है, इस वजह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, -1/√2, आयोटा तो रहेगा ही रहेगा, तो 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारे पास में 1 - iota, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास में cos x और sin ऑफ माइनस एक्स हमारे पास में होता है माइनस ऑफ sin x, इस वाली प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, तो हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास में आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन देखते कौन सा आने वाला है, ऑप्शन ए दिख रहा है 1/√2 1 - iota, सिमिलर हमारे पास में 1/√2 1 - iota, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2019 के केमिकल के पेपर में, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारे पास में है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के पेपर में 1 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को।
Which one of the following function is analytic over the entire complex plane? तो फंक्शन हमारे पास में एनालिटिक होना चाहिए, कहां पर? पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होना चाहिए. ऐसा कौन सा फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है ऑप्शन में? ठीक है, तो हमारे पास में हम अगर एनालिटिक होता है तो हम फंक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? कॉची रमन इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई एंड यू ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ऑफ एक्स. ये दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होता है. लेकिन हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करने वाले, क्योंकि बारी बारी से हम अगर हम सब पे कॉची रमन इक्वेशन लगाएंगे तो काफी लंबा टाइम जाएगा और ये सिंगल मार्क का क्वेश्चन है. इस वजह से ये वाला चीज यहाँ पर हम नहीं यूज कर रहे. ठीक है, हम यहाँ पर सिंपली क्या देखने वाले हैं कि फंक्शन हमारे पास में कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, जिससे हम बता देंगे कि हमारे पास में फंक्शन एनालिटिक कहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन एंटायरली कॉम्प्लेक्स प्लेन में कौन सा फंक्शन एनालिटिक होगा. तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ये z इक्वल टू जीरो पे हमारे पास में फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है. ठीक है, ये z लॉन z हमारे पास में मैं बात करूं तो इस वजह से हमारे पास में लॉन z जो है वो एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं होगा. ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑप्शन c की, तो ये हमारे पास में z इक्वल टू वन पे देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास में ये ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता है, एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एनालिटिक नहीं होगा. अगर मैं बात करूँ e टू पावर वन अपॉन z की, तो z इक्वल टू जीरो पे हमारे पास में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब हमारे पास में e टू पावर वन अपॉन z भी क्या होने वाला है? एनालिटिक नहीं होगा एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में. ठीक है, अगर मैं बात करूँ cos z की, तो ये हमारे पास में हर एक पॉइंट पर अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होने वाला है? एनालिटिक होने वाला है. ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास में हमें जस्ट ऑप्शन को चेक करके बताना था, क्योंकि हम ux ये कॉची रमन इक्वेशन दैट इज ux इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस vx अगर यूज करेंगे हर एक हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन में, तो हमारे से काफी लंबा टाइम जाएगा और ये सिंगल मार्क का क्वेश्चन है. इसका आंसर हमने क्या किया, जस्ट चेक कर लिया ऑप्शन के थ्रू. ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी जो हमारे पास में cos z है, ये हमारे पास में क्या आने वाला है? एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या आने वाला है? एनालिटिक होने वाला है. ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है गेट 2019 के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कंटूर इंटीग्रल 1 अपॉन 2 पाई जे साइक्लिक इंटीग्रल z प्लस 1 अपॉन z का होल स्क्वायर dz इवैल्यूएटेड ओवर द यूनिट सर्कल मॉड z इक्वल टू 1. तो हम सबसे पहले मॉड z इक्वल टू 1 का जो सर्कल है उससे हम प्लॉट कर देते हैं. तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा सर्कल आएगा, ठीक है, जिसका सेंटर हमारे पास में 0.0 होगा और रेडियस हमारे पास में क्या होने वाला है? 1 यूनिट का. ठीक है, आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r होता है हमारे पास में सर्कल का इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जहां पर हमारे पास z नॉट क्या होता है? सेंटर होता है और r हमारे पास में रेडियस होता है. ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेंटर 0.0 और रेडियस आप मिलेगा 1. ठीक है, अब हम क्या करने वाले, जो फंक्शन दे रखा है अपने को z प्लस 1 अपॉन z का होल स्क्वायर, इस फंक्शन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्मेट में लिख आते हैं. दैट मींस z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z का होल स्क्वायर, यही लिखा. तो हम ऊपर भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, नीचे भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं. दैट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन b स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला भी स्क्वायर कर दिया. ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको रेसिड्यू चाहिए. तो रेसिड्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स में निकालते हैं, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट को अगर हम जीरो कर दें, दैट मींस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, जेड इक्वल टू जीरो जीरो. दैट मींस रिपीटेड रूट वाला केस है ये हमारे पास में, ये जो केस हमारे पास में रिपीटेड रूट वाला, और रिपीटेड रूट वाले केस के लिए हम क्या करते हैं, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं आपको पता होगा अगर आपने मेरा लेक्चर्स फॉलो किया. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट में पहले जाएं, वहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के सारे जो हमारे पास में कंसेप्ट है वहां पर मैंने डील करके रखा हुआ है. ठीक है, तो रेसिड्यू हमारे पास में रिपीटेड रूट के लिए हम कैसे निकालते हैं वो देखिए. रेसिड्यू इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल डी टू द पावर एन माइनस 1 डी जेड टू द पावर एन माइनस 1 जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन इन टू एफ ऑफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट. ठीक है, ये हमारे पास सेपरेट कर देता हूं मैं इधर. ठीक है,
तो ये हमारे पास में फॉर्मेट होता है रेसिड्यू निकालने का, किसके लिए, जब हमारे पास में रिपीटेड रूट आता है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो सिंगुलर पॉइंट है वो रिपीटेड है, इस कारण से हम क्या करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मेट यूज करने वाले हैं। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, टू। क्यों टू है, क्योंकि हमारे पास जो जीरो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, टू। तो टू माइनस वन वन, दैट इज वन फैक्टोरियल वन होता है, और यहाँ पर टू डालेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी जेड आ जाएगा, और जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एम, दैट मीन्स हमारे पास जेड नॉट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। दैट मीन्स किस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, जीरो वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो जेड माइनस जीरो टू दी पावर एन का एन की वैल्यू टू है, और एफ जेड हमारे पास में क्या है, एफ जेड हमारे पास में है जेड टू दी पावर फोर प्लस वन अपॉन टू जेड स्क्वायर, यही है हमारे पास में जेड स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर किस पॉइंट पे निकालना है, एट जेड इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो बेस थोड़ा चेंज करना, नहीं तो मैं यहीं पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको इवेल्युएट करूँ तो हमारे पास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो वन अपॉन वन फैक्टोरियल हमारे पास में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, डी अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी जेड किसका डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को, ये जेड टू दी पावर फोर प्लस वन प्लस टू जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, और वहां पर डिफरेंशिएशन करने के बाद जेड इक्वल टू जीरो डालना, वही हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेसिड्यू आ जाएगा। तो इसको पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, फोर जेड क्यूब, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, वन का डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फोर जेड, और उसके बाद हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू को जीरो पुट कर देना है। तो जैसे ही हम जेड की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, जीरो प्लस जीरो, दैट मीन्स रेसिड्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास में जीरो। तो हमारे पास में रेसिड्यू की वैल्यू क्या आ गई, आप देखिए जीरो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेसिड्यू की वैल्यू आ गई जीरो। हमारे साथ साइक इंटीग्रल का जो फॉर्मेट होता है दैट इज वन अपॉन टू पाई जी, अगर हमारे पास में यहाँ लिखा है एफ जेड डी जेड लिखा है, और यहाँ पर नहीं भी लिखा हुआ है तो ठीक है, मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, ठीक है। तो साइक्लिक इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, टू पाई जे या फिर टू पाई आई लिख दीजिए आप, इन टू रेसिड्यू होती है वैल्यू, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड। तो यहाँ पे रेसिड्यू की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो क्या हो गया हमारे से, पूरा जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मींस हमारे पास में जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, जीरो। हमारे पास में रेसिड्यू की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, इसलिए जो हमारे पास में ये इंटीग्रल की वैल्यू होगी, जो हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल दिया दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि हमारे पास में साइक्लिक इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होती है, टू पाई जे इंटू रेसिड्यू ऑफ दैट फंक्शन, रेसिड्यू की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो पूरा फंक्शन तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, जीरो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है इलेक्ट्रिकल के पेपर में पूछा गया था, टू मार्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन हमारे पास में है द क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस एट अपॉन जेड प्लस टू डी जेड। हमारे पास में जो कंटूर दिया गया है वो दिया गया है मॉड जेड इज इक्वल टू फाइव, दैट मीन्स हमारे पास में ये सर्कल है जिसका हमारे पास में क्या है, सेंटर जीरो कमा जीरो है, और हमारे पास में रेडियस क्या है, फाइव, ठीक है। तो हमारे पास में ये हमने बना लिया सर्कल। अब हमारे पास में जो फंक्शन दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं, जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस एट डिवाइडेड बाई z प्लस टू। इस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं, तो डेनोमिनेटर में जो हमारे पास में पार्ट है उसको हम लोग जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तो z प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करते हैं, तो क्या आ जा रहा है हमारे पास में, z इक्वल टू माइनस टू। दैट मीन्स हमारे पास में जो सिंगुलर पॉइंट है वो z इक्वल टू माइनस टू है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रेसिड्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस टू और z माइनस z नॉट, दैट इज z प्लस टू हो जाएगा, ये हमारे पास z0 की वैल्यू हो जाएगी जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है। तो z माइनस z0 करेंगे तो z प्लस टू हो जाएगा, इन टू fz करेंगे तो क्या आएगा, z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस 8 अपॉन z प्लस टू। तो ये हमारा z प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, और z की वैल्यू माइनस टू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, z की वैल्यू को हम माइनस टू पुट कर रहे हैं तो क्या, टू का क्यूब 8 और माइनस बारह आ जाएगा, प्लस माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे कितना आएगा, और इसमें 8 8 कैंसिल 4, दैट मींस रेसिड्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 4। और हमें पता है कि हमारे पास में साइक्लिक इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू होती है
2 पाई आई की जगह आप जे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इमेजिनरी नंबर में सिर्फ एक लिखना है, 2 पाई आई या फिर जे इन टू रेसिड्यू ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो हमारे से रेसिड्यू की वैल्यू क्या आई है, हम यहाँ पे डाल देते 4 आई है, तो 2 पाई जे इन टू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा 4 टू जा 8, तो 8 पाई जे आ जाएगा हमारे पास में आंसर। तो हमारे में जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि है 8 पाई जे। ठीक से फिर से देख दे दिखा दे रहा हूँ आंसर हमारे पास में क्या है, 8 पाई जे ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था हमारे से, 2 मार्क के लिए पूछा गया था इलेक्ट्रिकल के पेपर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारे पास में है क्वेश्चन गेट 2019 के इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के पेपर में, 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, हमारे पास में फंक्शन दिया गया एफ जेड यू और वी के फॉर्मेट में, एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एफ बार जेड या फिर एफ स्टार जेड आप बोल सकते हैं, एक फंक्शन हमारे पास में एफ जेड और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोथ एनालिटिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट मीन्स हमारे पास में फंक्शन एफ जेड भी एनालिटिक है और उसका कॉन्जुगेट भी एनालिटिक है, कहां पर भाई, एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, जेड की वैल्यू हमारे पास में एक्स प्लस आई वाई होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए, और आयोटा की वैल्यू रूट अंडर ऑफ माइनस वन। ठीक है, द फंक्शन एफ इज देन गिवन बाय, तो हमको ये बताना है कि ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑप्शन हमारे पास में जिसका फंक्शन भी एनालिटिक है और उसका कॉन्जुगेट भी एनालिटिक है। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की, तो कोई भी फंक्शन एनालिटिक होने के लिए हमारे पास हम क्या बात करते हैं, कॉची रेमन इक्वेशन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास में होता है u of x is equal to v of y and u of y is equal to minus of v of x। ठीक है, यही हमारे पास कॉची रेमन इक्वेशन है पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर बात करूं एफ जेड की जो x प्लस आई वाई है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर आप चेक करेंगे u of x और v of y, तो हमारे पास में ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए कैसे, u हमारे पास में यहाँ पर x है और v हमारे पास में यहाँ पर y है, तो u of x is equal to v of y अगर करेंगे तो आप u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1, और v को अगर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएट आएगा 1। सेकंड वाला कंडीशन, u of y is equal to minus of v of x, तो u को अगर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो आएगा 0, और जब v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा 0। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि f of z हमारे पास में एनालिटिक है, लेकिन एफ बार जेड या फिर एफ स्टार जेड जो आप बात करेंगे, इसी ऑप्शन ए की मैं बात कर रहा हूं अभी, उसका अगर हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, दैट इज एक्स माइनस आयोटा वाई, अगर आप इसको चेक करेंगे यू ऑफ एक्स और वी ऑफ वाई दोनों जो कॉची रेमन इक्वेशन है, तो ये आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नॉन एनालिटिक होगा, दैट मीन्स ये एफ ऑफ जेड तो एनालिटिक है बट एफ बार जेड हमारे पास में एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, इस कारण से हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में ऑप्शन ए है वो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलर वे में आप ऑप्शन बी को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे ही आप ऑप्शन सी को अगर आप देख रहे हो, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स क्या है, सपोज करिए हम यहाँ पे लिख दे कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर लिख दे रहा हूँ, मैं 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट लिख दे रहा है, लिखा गया कॉन्स्टेंट। तो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर ये वाला जो यू ऑफ एक्स है और v of y हमारे पास में अगर हम चेक करें, तो हमारे पास में यहाँ पर u भी 0 है और v भी 0 है, सॉरी u हमारे पास में 2 होगा, u हमारे पास में 2 होगा और v हमारे पास में 0 होगा, क्योंकि u हमारे पास में रियल वाला पार्ट है, v हमारे पास में क्या है, आई इमेजिनरी वाला पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम इसको यहाँ पर u of x को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 0। v of y को डिफरेंशिएट करें, मतलब v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 0। और अगर हम दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई करें, तो हमारे पास में क्या आएगा, u of y और v of x माइनस v of x, तो यहाँ पर भी हमारे पास में 0 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एफ जेड के लिए,
इसका अगर हम एफ बार जेड निकालेंगे तो भी हमारे पास में सिमिलर ही आएगा, सब जीरो ही आएगा। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन सी है एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर एफ एफ ऑफ जेड भी हमारे पास में क्या है, एनालिटिक है, और एफ बार जेड भी हमारे पास में यहाँ पर एनालिटिक आएगा अगर आप चेक करेंगे तो। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। दैट मीन्स अगर हम फंक्शन को कॉन्स्टेंट लेंगे तो उस फंक्शन का हमारे पास में जो वैल्यू एफ जेड है वो भी एनालिटिक होगा और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी एनालिटिक होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमारे पास में क्या पूछा गया था कि फंक्शन भी एनालिटिक हो और उसका कॉन्जुगेट भी एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम फंक्शन को कॉन्स्टेंट मानेंगे तभी हमारे पास में ऐसा पॉसिबल होगा कि फंक्शन भी हमारे पास एनालिटिक होगा और उसका कॉन्जुगेट भी एनालिटिक होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है क्वेश्चन मैकेनिकल के सेकेंड सेट में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड ऑन द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई मे बी रिटन एज द फॉर्म दिस देन यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ वाई मस्ट सेटिस्फाई। यहाँ पर हमारे पास में सीधा पूछा गया है कॉची रेमन इक्वेशन के बारे में बोला गया। तो हमारे पास मैंने अभी जस्ट भी लिखा था लास्ट क्वेश्चन में u of x is equals to v of y and u of y is equal to minus of v of x। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम बोल सकते हैं हमारे पास में फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है, तो u of x दैट मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास में ये दिख रहा है u of x और v of y। ठीक है, v of y तो ये चीज तो ठीक है, ये चीज तो करेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें u of y एंड माइनस v of x, u of y माइनस ऑफ v of x तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे माइनस तो है नहीं, ये गलत है, इसका मतलब ऑप्शन ए खत्म। अब हमारे पास में मैं बात करूं तो हमारे पास में ये देखिए यहाँ पर भी u of x और v of y दिख रहा है, u of x v of y ये ठीक है, यहाँ पर u of y और माइनस v ये भी ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी को अगर आप देखें तो हमारे पास में क्या है u of x और माइनस ऑफ v of y लिखा हुआ, इसका मतलब ये तो यहीं पर गलत है। ठीक है, और ये वाला भी गलत है। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन सी और डी दोनों ही गलत होंगे हमारे पास में। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारे पास में कॉची रेमन इक्वेशन या ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये वाला जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है गेट 2019 के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। लेट आर एंड थीटा बी द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 1 प्लस आई। तुम्हारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो दिया गया है 1 प्लस आई। हमसे पूछा गया है आर, दैट मीन्स मॉड्यूलस बोला गया आर को, तो मॉड्यूलस क्या होगा हमारे पास में, रूट अंडर ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, रियल पार्ट का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर किया हमने प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 2। तुम्हारे पास में ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही खत्म हो गए, ऑप्शन ए और डी बचा। अब हमारे पास में जो मॉड्यूलस हो गया आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, टेन ऑफ रियल पार्ट अपॉन टेन इनवर्स ऑफ हमारे पास में क्या हो जाएगा रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट हमारे पास में 1, इमेजिनरी पार्ट भी 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 10 इनवर्स ऑफ 1। 10 की वैल्यू कहाँ पर हमारे पास में 1 होती है भाई, पाई बाई 4 पे 1 होती है, 10 45 1 होता है, तो ऑप्शन ए जो हमारे पास में क्या है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 2 कॉमा पाई बाई 4। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।